हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे और पल पल की लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार पहुंच रही होगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है उसे लेकर अब कहीं ना कहीं उम्मीद और आशा की किरण जो है वो तेज होती जा रही है। और जैसा कि रजनीश जी ने भी सूत्रों के हवाले से हमें अपडेट दे दिया है कि 30 नवंबर तक जारी हो सकता है, कर सकता है बीपीएससी सप्लीमेंट्री का रिजल्ट। बीपीएससी 30 नवंबर को जारी कर सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आप दे सकते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं अब की बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि बीपीएससी रिजल्ट का इंतजार करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी जल्द आ सकती है। रिक्ति शिक्षा विभाग बीपीएससी को भेज दी है। आप दे सकते हैं, कहीं ना कहीं रिक्तियों की बात की जा रही थी कब तक जो है भेजी जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लगभग 15,000 से 20,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है। इसके लिए बीपीएससी ने पूरी तैयारी भी कर ली है। लगातार जो है फर्जी अभ्यर्थियों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जल्द से जल्द आप दे सकते हैं यहाँ पे कि बीपीएससी रिजल्ट जारी कर सकती है। दूसरी ओर शिक्षक अभ्यर्थी भी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी शिक्षक बहाली का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को जल्द बीपीएससी के माध्यम से बड़ी खुशखबरी जो है वो मिल सकती है। तो एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ सामने उभर के आ रही है और एक बड़ी खुशखबरी भी है, सूत्रों के हवाले से खबर भी है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 30 नवंबर को जारी कर सकता है बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो हम लोग जो एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि कब तक जो है बीपीएससी एक रिजल्ट को जारी करेगा, अब इस इंतज़ार पर पूर्ण विराम जो है वो लगने जा रहा है। आगे देखिए, सरकारी सेवकों की प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में ये बात कही गई है। स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये अपडेट आ रही है कि बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा होगी, कितने अटेम्प्ट तक आप लोग जो हैं इसमें भाग ले सकते हैं। स्पष्ट रूप से निर्देशानुसार कहना है कि प्रसंग वर्णित अभ्यावेदन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प संख्या दी गई है 12/12/12 के तहत सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा की गिनती के संदर्भ में परीक्षा की जा गई है कि उक्त गिनती आवेदन करने से मानी जाएगी अथवा वास्तविक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने से। उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या दी गई है, यहाँ पे बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसरों की सीमा के संबंध में निर्णय लिया गया है। उक्त संकल्प की गंडिका 7 का प्रावधान निम्नवत है और लिखा है कि अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसर की अनुमान्य होंगे। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में प्रत्येक आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अलग अलग अधिकतम कुल 5 अवसरों की बात कही जा रही है। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अवसरों की गिनती वास्तविक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने पर ही मानी जाएगी। तो ये अपडेट जो है वो आ रही है और ये बात कही जा रही है कि भाई आपको 5 जो है अवसर वो मिल सकता है। आगे देखिए, लिखा है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या यहाँ पे दी गई है। अमान्य संस्था से प्राप्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों को हटा दिया जाएगा। मैं आपको पहले भी अपडेट दे रहा हूँ, अब ये सीमांत से खबर आई है, डायरेक्ट ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पे कि जो भी उपरोक्त विषय अंकित करना है एक निदेशक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या यहाँ पे दी गई है। क्या लोक में कहा गया है कि अमान्य संस्था से जितने भी डिग्री धारक होंगे उनकी डिग्रियों को हटा दिया जाएगा। तो इसी कारण से जो है हज़ारों अभ्यर्थी जो है वो फर्जी पकड़े जा रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाई दिया गया है। आगे देख सकते हैं, लिखा है कि इस अमान्य संस्था में जो भी होंगे उनको बीपीएससी की परीक्षा से जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आगे खबर आ रही है कि 24 शिक्षक बर्खास्त हुए हैं, 43 पर निलंबन का आदेश आ गया है। राज्य में 7,588 शिक्षक 6 से लेकर 2 साल से सरकारी स्कूलों से गायब चल रहे हैं। बिना सूचना के गायब चल रहे शिक्षकों में से 24 शिक्षक बर्खास्त किए गए हैं। 51 और शिक्षकों की बर्खास्तगी की अनुशंसा की गई है। शिक्षा विभाग की मॉनिटरिंग की रिपोर्ट आ रही है, 51 पर बर्खास्तगी का की तो 131 पर निलंबन की तलवार
कटे 10,888 शिक्षकों के वेतन। तो देख सकते हैं कि भाई 24 शिक्षक और बर्खास्त कर दिए गए हैं और लगातार इनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और देख सकते हैं कि अलग अलग दिखाया गया, दरगाम दरभंगा हो गया, आपका गया हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, शेखपुरा हो गया, सीतामढ़ी हो गया, ये तमाम दिखाया गया है कि कितने कितने शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। और ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता तो दिखाया गया है, वेतन भी काटा गया है और कुछ कार्रवाई भी की गई है। आगे देखिए लिखा है कि 24 शिक्षक बर्खास्त हुए हैं। तो अलग अलग अपडेट न्यूज़पेपरों के माध्यम से आ रही है। तो सबसे बड़ी आज की यही बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि एक या दो नंबर या तीन नंबर से रुके हुए शिक्षक अभ्यर्थियों को जल्द बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।